उसने बताया कि उसने मेरे बारे में कुछ सपना देखा है। उसमें ख्वाब क्या? तो क्या लगता है गाइस, जो स्वेत ने सपना देखा था वो सच होगा? कल क्या बोला था? क्या बोलोगी? पेड़ दर्द है क्या? मत करो इसके साथ। तो इंशाल्लाह पहले नमाज को जाते हैं फटाफट से, फिर अच्छे से वहां से आके बात करते हैं इंशाल्लाह। तो जी फजर का टाइम है, जैसे कि आपको पता है यहीं से व्लॉग शुरू करते हैं, पढ़ते हैं फजर नमाज, फिर आपसे अच्छे से बात करते हैं इंशाल्लाह। चलो जी, चलो जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश व्लॉग। तो क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, और जी मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हूँ। आज व्लॉग नंबर 53 होने वाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का डे 9 भी है। तो उम्मीद है आप सबने भी अच्छे से खैरी खाई होगी, आज फजर भी पढ़ लिया होगा, और मेरे लिए बहुत सारी दुआ की होगी। तो आज डे फ्राइडे है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको पता होगा कि फ्राइडे के दिन हम नमाज के बाद ही अच्छे से व्लॉग शुरू करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं वो नमाज से पहले दिखाते हैं, वरना नमाज के बाद ही शुरू करते हैं हम ये व्लॉग। जिसने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये रहा जी बटन सब्सक्राइब का, फटाफट से दबा दे ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। बाकी अभी इंट्रो हो गया, अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, हम सीधा मिलते हैं आफ्टरनून में इंशाल्लाह। मच लेटर। आज उठने में थोड़ा बहुत लेट हो गया, लेकिन अभी फ्राइडे की नमाज है, तो इंशाल्लाह पहले नमाज को जाते हैं फटाफट से, फिर अच्छे से वहाँ से आके बात करते हैं इंशाल्लाह। चलो जी, आप भी पढ़ो, दुआ में याद रखना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुमा नमाज पढ़ के आया, मैं नमाज से पहले आपको कुछ दिखा नहीं पाया उसके लिए सॉरी। वो इसीलिए जब मैं सुबह सोया था ना, फिर बहुत ज़्यादा लेट उठ गया था, पता नहीं चला टाइम का नमाज कब पहुंची, फिर उठ के फटाफट से वजू किया तो मस्जिद सीधे गया। तो अभी मैं आ चुका हूँ, तो अभी हम शुरू करते हैं अच्छे से व्लॉग। अभी जी टाइम हो रहा है 2:50, 2:15, तो अभी आधा दिन बचा है, इंशाल्लाह अच्छा खासा व्लॉग बनना चाहिए जो आपको भी पसंद आएगा। बाकी अभी देखो मौसम एकदम क्लाउडी है, काले बादल एकदम, कल ही प्रेडिक्शन हुई थी हेवी रेनफॉल होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुई। सब अल्लाह तक है, जब वो चाहेगा हो जाएगा, सब जब ही चाहेगा तो नहीं होगा। तो हम देखते हैं फिलहाल दिन का क्या प्रोसेस रहेगा, आधे दिन का क्या प्रोसेस रहेगा, फिर मिलते हैं आपसे। क्या मत करो इसके साथ, बड़ा 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 बड़ा। ये रही जी अलीजा जहाँ, इसने कहा था कि फ्राइडे के दिन मैं रोजा रहूंगी, तो देखते हैं आज कौन सा डे है। फ्राइडे आज आप रोजा हो? मैं बीमार थी। बीमार थी आप? क्या था आपको? फीवर। लग रहा है, लग रहा है। स्कूल भी थी ना छुट्टी की ना आज? कल भी छुट्टी। कल क्या बोलोगे? पेट दर्द। क्या बोलोगे? पेट दर्द है। छुट्टी क्या बनी है मानी माज। अच्छा मुझे बता, आप भाई को क्यों नहीं देते हो वीडियो उठाने? पहले मुझे उठाना था, फिर उसको उठाना होता है। नहीं, पहले उसको फिर आप। नहीं नहीं, क्यों? आप कौन हो? मैं बड़ी हूँ, सबसे बड़ों को उठाना। आप बड़ी हो? हाँ। मैं बड़ा हूँ। मेरा नाम क्या है? बाजिल। नहीं नहीं, आप क्या बोलते हो मुझे? बड़ा। तो हुआ ना मैं बड़ा। अच्छा मुझे बताओ एक बात, अब आप रोजा कब रहोगी? फ्राइडे। फ्राइडे पक्का? हाँ। करो प्रॉमिस। अब हम पूछो ना, उस दिन भी बोलोगी मैं बीमार हूँ। अच्छा इनको बताओ ना अपनी तरह, लाइक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब। रहने दो भाई, रहने दो। मच लेटर। सो गाइस, ये जो मैं अभी क्लिप शूट कर रहा हूँ ये करीब लास्ट फ्रेम से 3 घंटे के बाद है, वो इसीलिए मुझे पड़ गई थी नींद। आज समझ ही नहीं आया, आज सुबह भी नींद, दोपहर के बाद भी नींद। खैर नुकसान हो गया, आज इतने टाइम व्लॉग भी नहीं बना पाया। लेकिन अभी मैं उठा, अभी कॉल आया मुझे स्वेत का, वो मेरा दोस्त है, वो गांधरबल में रहता है, यहाँ पे उसका ननिहाल है। उसने बताया कि उसने मेरे बारे में कुछ सपना देखा है। मैंने बताया बोलो, लेकिन उसने बताया नहीं, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ, मैं यहीं बताऊँगा। तो देखते हैं उसने क्या सपना देखा है। चलो तो गाइस चलते हैं, देखते हैं क्या सपना देखा है स्वेत ने। वो बड़ा उतावला हो रहा था, सपना देखा है, फटाफट से आ जाओ। तो अभी यहाँ से हम कट करते हैं। स्वेत भाई क्या हाल है? भाई ठीक हो? अच्छे से। बढ़िया। कब आए? बस अभी उसमें ख्वाब क्या चाह सको।
روٹ تیار پٔرِتھ ہسہِ تیار گژھان نرمٕے تو کیا لگتا ہے آپ کو گائز جو سوید نے سپنا دیکھا تھا وہ سچ ہوگا انشاءاللہ پوری امید ہے سچ ہوگا کچھ دنوں میں کچھ مہینوں میں جتنا بھی ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ سچ ہوگا ہم محنت کریں گے باقی اللہ تک انشاءاللہ اللہ مدد بھی کرے گا باقی ابھی افطاری میں 10-15 منٹ بچے ہوئے ہیں میں نے سوچا چلو اس بلاگ کو ابھی اینڈ کرتے ہیں کیونکہ کل بھی میں نے اسی ٹائم اینڈ کیا تھا پھر افطاری کے بعد اپلوڈ فٹافٹ سے کیا تھا اس پہ ریسپونڈ اچھا آیا تھا اچھے ویوز آئے تھے فٹافٹ سے تو میں نے سوچا ابھی اینڈ کرتے اور مین ریزن یہ بھی ہے کہ آج سے آئی پی ایل شروع ہے تو پھر آئی پی ایل بھی دیکھنا ہوگا تو خیر ہم اس بلاگ کو ابھی کرتے ہیں اینڈ امید ہے آپ سب کو یہ بلاگ اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگے گا بلاگ آپ کو پتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے لائک شیئر اور یہ رہا سبسکرائب بٹن فٹافٹ سے دبا دو باقی ہم ملتے ہیں کل نئے ایک اچھے بلاگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ